दिवाली थाने को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अमर ज्योति यात्री बस में पिछली सीट पर आसमानी रंग की टी शर्ट व काले रंग की पेंट पहने बैठा हुआ है, पिस्तल लेकर जा रहा था। सूचना पर फोर्स ने खेतिया रोड के खेत परिसर के पास जामन्या फाटे पर उक्त बस की प्रतीक्षा की। उक्त बस को रोककर मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार उस व्यक्ति को बस से नीचे उतार कर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्याम, पिता देवराम बरेला, निवासी जामटी थाना वरला का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर कमर में एक देसी पिस्तल व जेब में 5 जिंदा कारतूस मिले, जो तकरीबन 11,000 रुपए के हैं। उक्त आरोपी के पिस्तल और कारतूस के लाइसेंस के बारे में जब पूछा गया तो वह बगले झांकने लगा। मौके पर आरोपी के पिस्तल व राउंड जब्त कर गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी का पुलिस रिमांड भर कर न्यायालय पेश किया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी आर बड़ोले, ASI महेंद्र चौहान, आर रूप सिंह मंडलोई आदि का योगदान रहा। श्यामा पिता देवराम बारेला है, ये जामटी का है, वरला थाना क्षेत्र का है। इसके पास से एक पिस्तल मिली और 5 जिंदा राउंड मिले हैं, इससे पूछताछ की जा रही है। अभी पुलिस रिमांड करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, ये कहाँ पे पकड़ा है? ये अपने यहाँ अपने परिसर, खेल परिसर के पास पेट्रोल पंप के आगे। किसी वाहन से था? हाँ, बोले बस में बैठ के जा रहा था। इसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है? नहीं, अभी मामले की जाँच चल रही है।